नगरी हरिद्वार के शहर कोतवाली से कुछ ही दूरी पर स्थित काशीपुर कॉलोनी में कल रात दो युवतियों से पड़ोसी युवक ने बदनीयती की नीयत से मारपीट की। दरअसल कल रात इन दोनों युवतियों के परिजन घर से बाहर किसी काम से गए थे। घर पर युवतियों के अकेले होने का फायदा उठाते हुए पड़ोसी का 24 वर्षीय युवक पौरुष पुत्र देवी दयाल घर में घुस आया और बदनीयती की नजर से बड़ी बहन के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने लगा। शोर सुनकर दूसरी बहन भी जाग गई, पर आरोपी युवक उसके साथ तब भी मारपीट करता रहा। बड़ी मुश्किल से छोटी बहन पास के स्थित कोतवाली पहुंची और मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को बिना कोई मामला दर्ज किए छोड़ दिया। बहन हमारी ही गई थी, हमारा भांजा भी हमारी ही गई थी, रहता रात कोई भी नहीं था, दोनों लड़की थी इनके साथ में। वो लड़के ने बदतमीजी करी अकेली देख के। कौन था लड़का? कौन? पुरुष। बराबर में रहता है क्या? हाँ बराबर का पड़ोस का रहता है। पुलिस आई थी क्या? उसे पकड़ी पुलिस आई थी, उन्होंने फिर छोड़ दिया। उसने पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया उसके। क्या हुआ था? वो पड़ोसियों ने पता भेजा, बच्चे गए हमारे घर पे भाग कर, के पड़ोस के लड़के ने मार पिटाई कर रखी और जबरदस्ती लड़कियों के साथ में कर रहा हो, तब हम भाग कर आए वहाँ से। थाने में नहीं दिया उसको? थाने में दे दिया था हमने, मगर पुलिस वालों ने जैसे हम घर पे पहुंचे पुलिस वालों ने छोड़ दिया उसको। ये नहीं हमें पता कैसे छोड़ा, कुछ ले दे लिया होगा इसलिए छोड़ दिया होगा। मेरे घर में पुरुष आया, एकदम से उसने गेट खोला, हमारा गेट तोड़ दिया और तब हमारा कुंडा लग रहा था और हमारा कुंडी वुंडी सब टूट गई, हमारा गेट में सब टूट गया और एकदम से फिर मेरे आया, चाटा मार गया और फिर मैं हमारे घर में घुस के मेरे को मारा, मुझे धक्का दे दिया और तब फिर मेरे को बचाया, मेरे को बाल चुटे मेरे सिर में, मतलब नीचे सिर दे के मारा और तब फिर मेरी बहन को बचाया, फिर इसके ऊपर बैठ के इसको बजाया बहुत, फिर ये बाहर आए तब बाहर इसको बजाए, इसके पेट में लाते मारिए, फिर मेरे को बजाने लग गया बहुत ज़्यादा। कहाँ रहते हो तुम लोग? मैं काशीपुरा मोहल्ला पुलिस क्वार्टर की गली में, तथा देवी दयाल का लड़का है वो हमारी ही गली में रहता है, तीसरे नंबर पे उसका घर है हमारे, एक घर छोड़कर। पहले भी कोई बदतमीजी करी इसने? तीन बारी हमला कर दिया उसने हमारे ऊपर। देवभूमि न्यूज़ के लिए हरिद्वार से अरुण कश्यप की रिपोर्ट।